हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सुमेरु प्रीमियम ग्रेटेड कोकोनट का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से ऐसे जिप लॉक में आता है और 100% नेचुरल है, नो प्रिजर्वेटिव्स है, नो एडिटिव्स है और ये फ्रेश फ्रोजन ग्रेटेड कोकोनट है और इसमें लगभग 2 मीडियम साइज कोकोनट्स को ग्रेट किया हुआ है। 200 ग्राम का पैक है ये और इसका जो MRP है वो 80 रुपीज़ है और इसका जो बेस्ट बिफोर है वो 12 मंथ्स का है। इंग्रेडिएंट्स इसमें ओनली ग्रेटेड कोकोनट है और यहाँ पे मेंशन है ऑलवेज स्टोर एट -18 डिग्री सेल्सियस और बिलो अंटिल रेडी टू यूज। और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग दी हुई है और ये जो पैक है वो 200 ग्राम का है। बहुत ही अच्छा है ये, जब आपको कोई रेसिपीज बनानी हो और आपके पास कोकोनट को ग्रेट करने का टाइम ना हो तो आप ये फ्रोजन कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। बस आपको इसको हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है और ये पैक के अंदर भी एक ऐसे एक पैकेट के अंदर है। बहुत ही बढ़िया है ये, आपको जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करके बाकी का आप इसमें रैप करके अगेन आप उसको जिप लॉक में स्टोर कर सकते हैं। अब हम कट करके इसको ओपन करके देखते हैं। वाओ, ये एज इट इज़ जैसा हम घर में ग्रेट करते हैं वैसा ही है, बिल्कुल एकदम अच्छे से, बिल्कुल एक साइज़ का ये ग्रेट किया हुआ है बहुत ही अच्छे से। और अब मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ और ये एकदम लग भी रहा है बिल्कुल फ्रेश, एकदम नेचुरल कोकोनट, एकदम फ्रेश कोकोनट ही है। और हाँ, टेस्ट करने में भी इसका टेस्ट अच्छा है, बिल्कुल ऑथेंटिक और स्वीट टेस्ट दे रहा है ये। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये ग्रेटेड है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये आपके पास टाइम सेव करने के लिए, बस डायरेक्टली फ्रिज से निकालो और आपको जिस भी रेसिपी में ऐड करना है उसमें यूज़ करें। अब कोकोनट को मैं एक रेसिपी में ऐड करके ट्राई कर रही हूँ कि ये खाने में कैसा है। वैसे तो ये 100% नेचुरल ग्रेटेड कोकोनट ही है, फ्रेश कोकोनट है और ये मिक्स भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है, एकदम फाइनली ग्रेटेड है ये, बहुत ही अच्छे से ये इसमें मिक्स हुआ है और मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनकर आई है और ये खाने में भी ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसकी कोकोनट चटनी बनाते हैं। तो मैंने सब कुछ जार में ऐड कर लिया है, देखिए कितना फ्रेश और कितने अच्छे से ये ग्रेटेड है। एक ही राउंड में देखिए कितने अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। तो हम इसकी कोकोनट चटनी तैयार कर लेते हैं जल्दी से। जस्ट 5 मिनट में ही कोकोनट चटनी बनके रेडी है, देखें कितनी बढ़िया तरीके से ये चटनी बनी है और खाने में भी ये बहुत ही डिलीशियस लग रही है। मुझे तो ये फ्रेश फ्रोजन कोकोनट बहुत ही पसंद आया। इस तरह से आप अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में से यूज़ में ला सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। और ये ब्रांड आपको बिग बास्केट और Amazon दोनों पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।